नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हंगरनेस की प्रॉब्लम के बारे में और हम देखेंगे कि इंडिया में जो हंगरनेस की प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है। तो दोस्तों, बात हम करेंगे एक डाटा को उठा के। वो डाटा भी मैं आपको बता दूंगा कि वो बेसिकली डाटा है कि है कौन सा और उसको कौन रिलीज करता है। तो बेसिकली दोस्तों, बात है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। तो आपके सामने ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में हमें समझना हो तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है, एक साल पढ़ता है, तो उसका जब रिजल्ट आता है तो जो टीचर्स हैं, जो स्कूल है, उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करके देते हैं। तो इसी तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी एक तरह से हंगरनेस का रिपोर्ट कार्ड है। और इस रिपोर्ट कार्ड को तैयार किया जाता है, दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके तैयार करती हैं। उनका नाम है वेल्ट हंगर हेल्पे एंड कंसर्न वाइल्ड। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में, एक तरह से पूरी दुनिया का ये मेजर करते हैं हंगरनेस। तो मेनली 119 कंट्रीज हैं जिनका इन्होंने 2018 में हंगरनेस मेजर की, और इंडिया भी उनमें इंक्लूडेड है। तो देखिए दोस्तों, अब जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो रिपोर्ट कार्ड में आपके मार्क्स लिखे होते हैं कि मैथ्स में इतने मार्क्स हैं, आपके साइंस में इतने मार्क्स हैं, या आपके इंग्लिश लैंग्वेज में इतने मार्क्स हैं। तो एक तरह से सब्जेक्ट्स में चीज को बांटा जाता है। इसी तरह से ये रिपोर्ट कार्ड करता है हंगर इंडेक्स का। ये आपकी हंगरनेस को तीन सब्जेक्ट्स में, मान लीजिए आप, तीन डिमेंशंस में उसको तोड़ता है और उन डिमेंशंस से आपकी हंगर को मेजर करता है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये पहला जो है वो है अंडर नरिशमेंट। तो अंडर नरिशमेंट का क्या मतलब है, इसमें देखा जाता है कि जो देश की, मान लीजिए इंडिया का, अगर आपने हंगरनेस मेजर करनी है तो देखा जाएगा कि इंडिया में अंडर नरिशमेंट कितनी है, देश की कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर नरिश्ड है, जिसको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता। तो दूसरा जो सब्जेक्ट है इस इंडेक्स का, वो है चाइल्ड अंडरवेट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उनको देखती है कि उनका कितनों का उनका जो वेट है वो अपनी उम्र से कम है या अपनी हाइट से कम है। और तीसरा इनका जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो दोस्तों, चाइल्ड मोर्टेलिटी में ये क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये देखा जाता है कि किसी देश में 5 साल से जो कम बच्चे हैं, कितने कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये तीन चीजों को देख देख के ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये अंडर नरिशमेंट आपकी पूरी पॉपुलेशन की देखी जाती है, और दो जो इंडिकेटर्स हैं वो बच्चों का अंडर वेट और आपका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी को देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये मेजर कैसे होता है। अब हम बताएंगे कि इंडिया में सिनेरियो क्या है हंगर इंडेक्स का, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर इंडियंस। तो हमें हमें कंसर्न होगा कि हम जाने कि इंडिया में हंगरनेस की प्रॉब्लम कितनी है, कितनी नहीं है। तो दोस्तों, आपके सामने ये आपके स्क्रीन के सामने ये स्लाइड आई है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया का आउट ऑफ 119 कंट्रीज, जो इंडिया का रैंक है वो 113 है। तो इंडिया की परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हम ये बोल सकते हैं कि बहुत बुरी परफॉर्मेंस है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रैंकिंग है, इसमें हमारा 113वां रैंक आया है। अगर आपके आपके आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा हो या आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आपके नंबर कम आए तो ऑब्वियसली वो एक तरह आपकी पोजिशन पीछे आए तो आपके लिए एम्बेरसमेंट वाली बात होती है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और हम जो है मिशंस भेज रहे हैं, मार्स पे मिशंस जा रहे हैं हमारे, हम स्पेस में एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, हम डिफेंस में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी हंगरनेस की अगर हम बात करें तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बुरी है। इंडिया का जो स्कोर है दोस्तों वो 31.1 है। तो ये आप देख सकते हो, सब ये जो टोटल स्कोर है इसमें से ये 60 में से किया जाता है, तो 60 में से हमारा स्कोर जो है 31.1 है। तो जितना ज्यादा स्कोर उतनी बुरी परफॉर्मेंस। तो इसमें इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब क्या आप बोल सकते हो, इनवर्स तरीके से है। स्कूल में तो क्या होता है, जितने आपके ज्यादा नंबर अच्छे उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, लेकिन इसमें क्या है, जितनी जितने ज्यादा नंबर उतनी बुरी प्रॉब्लम। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, और इसमें दोस्तों हमारा जो हम यहाँ पे हम ये जो है इंडिया प्लेस्ड है इस स्कोर कार्ड में। तो 31.1 हमारा जो स्कोर है, और आप देख सकते हो कि हमारे से ऊपर बहुत कम कंट्रीज हैं जो हमारे से मतलब हमारे से
से पीछे हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया। तो अफगानिस्तान की आप सिचुएशन देख सकते हो कि कितनी वार टोन कंट्री है, वहां पे सिविल वॉर चल रहे हैं एक तरह से, तालिबान का और यूएसए की आर्म्ड फोर्सेज जो है खुद में एक तरह से लड़ रही हैं। और इसमें दोस्तों अब हम बात करें तो हमारी कुछ परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो इंडिया में और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात बात नोटिस की गई है वो ये है कि देखिए हमारे जो इंडिया में ज्यादा बच्चे क्या हैं, वेस्टेड हैं। तो वेस्टेड होने का क्या मतलब है? वेस्टेड होने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में 5 साल से जो एज के कम बच्चे हैं, ये देखा गया कि उनकी हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है। तो आप देख सकते हो मतलब बच्चों की हाइट तो बढ़ रही है लेकिन उनको उनका वेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू देयर हाइट। तो इसका मतलब ये है कि उनको खाना नहीं अवेलेबल है, दैट्स व्हाई, और खाना अवेलेबल नहीं है और साथ ही साथ उनकी ये भी प्रॉब्लम है कि उनको अच्छी बैलेंस्ड डाइट अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया की करते हैं, हमारा यूपी वाला एरिया जो है, यूपी बिहार वाली बेल्ट है, तो ये बेल्ट ऐसी हैं जहां पे कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट ली जाती है, जहां पे एनर्जी रिच डाइट ली जाती है। तो क्या होता है कि बच्चों को पेरेंट्स, कई लोगों के पास ऐसा नहीं है कि कई लोगों के पास पैसा नहीं है, वो अपने बच्चों को फीड नहीं कर सकते, वो फीड करते हैं लेकिन क्या होता है वो उनको एक ही डाइट फीड करते हैं। जैसे मान लीजिए उनको दाल रोटी मिलती है, तो दाल रोटी में क्या है, उनकी जो डाइट है वो डाइवर्स नहीं हो पाती, जो डाइट है उसमें एक तरह से डाइवर्सिटी नहीं आती, और जिसकी वजह से क्या है, बॉडी को एक चीज मिलती रहती है और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है बैलेंस डाइट के लिए वो नहीं मिल पाती। तो इसमें देखा गया कि हमारे इंडिया में ज्यादा जो बहुत ज्यादा बच्चे हैं ऐसे हैं जो वेस्टेड हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा ये जो स्कोर है वो इनफैक्ट बड़ा है वेस्टेड चिल्ड्रन में, हमारे जो बच्चों की हाइट के कंपैरिजन जो वेट है वो कम है और इसका स्कोर हमारा 21 हो चुका है। और आपको मैंने बताया कि जितना ज्यादा स्कोर उतनी बुरी परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हो कि हमारे से नीचे पाकिस्तान भी हमारे से आगे है हंगर को कंट्रोल करने के लिए, तो ये कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है इंडिया के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिनेरियो मैंने आपको बताया ही है कि इसमें अब देखिए हमारी रिपोर्ट कार्ड में हमारा 31.1 जो है हमारा स्कोर है, तो जो 31.1 स्कोर है वो यहाँ पे है। और इसको आप देख सकते हो कि इसको सीरियस कैटेगरी में माना गया है, तो एक तरह से ग्रेडिंग की जाती है इस रिपोर्ट कार्ड में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो हमारा जो है, हमारी जो रैंकिंग है, हमारा जो स्कोर है वो सीरियस वाले केस में है, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और नेक्स्ट इसमें आपको अगर मैं बताऊं तो एटलीस्ट 1 in 5 चिल्ड्रन हमारे जो अंडर द एज ऑफ 5 है वो वेस्टेड है। मतलब अगर आप कोई भी 5 बच्चे उठाओ तो उनमें से एक बच्चा क्या होगा, वेस्टेड होगा। और इनफैक्ट इसमें हम सिर्फ साउथ सूडान से आगे हैं, बाकी सारे देश जो हैं हमारे से आगे हैं लेकिन हम सिर्फ साउथ सूडान से आगे हैं। तो आप देख सकते हो कि साउथ सूडान जो एक ऐसी कंट्री है अफ्रीका में जहां पे वार चल रही है, जहां पे सिविल वॉर चल रही है, तो इसमें आप देख सकते हो कि इंडिया जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जहां पे बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं हमारे पॉलिटिशियंस के द्वारा, हमारे जो डिफरेंट पार्टीज हैं उनके द्वारा, वो इंडिया की पोजीशन को आप देख सकते हो कि हंगर में कुछ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाए हैं उसको एड्रेस करने में। इनफैक्ट इंडिया की रैंकिंग दोस्तों 2017 से 3 रैंक कम हो गई। अब मैं यहां पे किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मेरा यहां पे पर्पस बात करने का ये है कि हाँ आप बात करते हो राष्ट्रीय सुरक्षा की, राष्ट्रीय एक तरह से आप बोल सकते हो कि राष्ट्र सुरक्षा को बढ़ाने की, लेकिन अगर हम आपके बच्चे अगर हमारे बच्चे अपने अपने देश में भूखे मर रहे हो तो हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से कितना मतलब हो सकता है। हमें बैलेंस्ड तरीके से चलना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है लेकिन हमारे बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज राष्ट्रीय सुरक्षा भी तभी हो पाएगी जब हमारे बच्चों को खाना मिलेगा और वो कैपेबल हो पाएंगे अच्छी एजुकेशन लेने के, और वो कैपेबल हो पाएंगे देश को सर्व करने के लिए। अगर वो डिजीज उनको डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से वो सफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमारी एक तरह से पूरी सिस्टम पे बर्डन क्रिएट होता है। तो ये दोस्तों पर्पस था ये वीडियो बनाने का, आपको सिर्फ सेंसिटाइज करना कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है हंगर की, और आपको भी अपने इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट्स करने चाहिए कि आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करो। मेरा आपको यही सजेशन होगा कि आप जो अपनी डाइट है उसको डाइवर्स रखिए, और जो भी आप अगर आप किसी गरीब की खाने
के लिए हेल्प कर सकते हो तो सर्टेनली कीजिए, बिकॉज अगर आपको भगवान ने कैपेबिलिटी दी है तो आप किसी का एटलीस्ट मजाक मत उड़ाइए। किसी को पैसे नहीं देने हैं, अगर उसको खाना दे सकते हो तो उसको खाना दीजिए। पर्पस यही था वीडियो बनाने का, और कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ आपको सेंसिटाइज करना था। तो दोस्तों ये है हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये अच्छी लगी तो इंश्योर करना कि इसको जरूर लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना, बिकॉज अल्टीमेटली दोस्तों हम यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं, एक चीज तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसको शेयर जरूर करोगे। तो शुक्रिया दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो और दिस इस ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, खुदा हाफिज़।